सो गाइज़, मेरे पास है रियलमी का 9 प्रो प्लस और इसमें जो न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है, ऐसे हम इस वीडियो में करने वाले हैं सॉफ्टवेयर अपडेट और सारी की बेसिक सी चीज़ें चेक करेंगे भाई, किस तरह कोई बग्स वगैरह तो नहीं आया न्यू अपडेट में। तो उससे पहले मैं अपडेट आपको दिखा देता हूँ भाई, अपडेट जो कितने एमबी का है, अपडेट कौन सा है। सो ऑडियंस में चलते हैं, अपडेट देख सकते हैं 765.10 MB का यहाँ पर अपडेट दिखा रहा है और जो कि है C.13 करके, राइट। अब दिस वर्जन में चलते हैं तो सिक्योरिटी और सिस्टम का अपडेट है, अगस्त सितंबर का एक साथ शायद इन्होंने दिया है इस बार। और ऐसे में जो कैमरे में कई बार देखो देखने को मिलता है कैमरे की क्वालिटी भी जो लो हो जाती है, तो कैमरे की टेस्टिंग हम करते हैं, उसके अलग से वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिली जाएगी। बाकी फिलहाल जो स्मूथनेस वगैरह चेक कराता हूँ, फ़ोन काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहा है, कोई खास इशू तो मुझे फ़ोन में फील नहीं हो रहा। और बाकी इंटरफेस वगैरह ऊपर से कुछ इस तरह का ही नज़र आता ही है। तो फटाफट से जो सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेते हैं और देखेंगे भाई यहाँ पर जो कितना टाइम लगेगा। फिलहाल मैं जियो के वाईफाई से अपडेट करने वाला हूँ, लेट्स सी कितना टाइम यहाँ पर ओवरऑल लगने वाला है डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग में। तो डाउनलोडिंग हो सकता है काफ़ी फास्ट हो जाए, तो ऐसे में डिपेंड करता है इंटरनेट की स्पीड क्या है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आप जो इंटरनेट यूज़ करते हैं कौन सी कंपनी का है, और वाईफाई यूज़ करते हैं तो किस कंपनी का आप यूज़ करें। तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर करते हैं क्लिक। सो यहाँ पर कर देते हैं वाईफाई। सो यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो डाउनलोडिंग स्पीड दिखा रहा है 6 MB के समथिंग दिखा रहा है, वो डाउनलोडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। लगभग 2 मिनट लगे यहाँ पर, 5 से 6 MB की स्पीड आ रही थी, तो 99.9% यहाँ पर हो चुका है। फिलहाल जो एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस होगा इसमें 2 से 3 मिनट के समथिंग लगे हैं। बस एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट हो चुका है, पूरे 4 मिनट यहाँ पर लगे। अब नाउ वेरीफाइंग प्रोसेस चल रहा है, 1 मिनट के समथिंग में हो जाना चाहिए। यहाँ पर वेरीफाइंग प्रोसेस में जो 1 मिनट के समथिंग लगा। अब जो सिंपली इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ चुका है, सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल कर सकते हैं, कर सकते हैं इंस्टॉल। और भाई नाउ इट्स वेरीफाइंग, अभी क्या होगा डिवाइस हमारा जो रीस्टार्ट होगा। ऐसे में जब भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें आप, तो आपने जो डिवाइस को छेड़ना नहीं, बेसिकली ऑन ऑफ या फिर पावर बटन, वॉल्यूम अप डाउन बटन, कोई सा भी बटन आपने प्रेस नहीं करना, ऑटोमेटिकली जो प्रोसेस होता है उसको होने देना होता है। ऐसे में जो डिवाइस हमारा रीस्टार्ट हो चुका है, इसमें 1 से 2 मिनट के समथिंग लग सकते हैं ओवरऑल प्रोसेस में सॉफ्टवेयर अपडेट होने में। और सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद भी जो फ़ोन को आपने जो तुरंत ही यूज़ करने नहीं लग जाना, उसको ऑप्टिमाइज़ होने के लिए टाइम देना है। ऐसा नहीं कि आपने गेमिंग वगैरह स्टार्ट कर देनी तुरंत ही, हैवी यूजर्स स्टार्ट कर देने, तो कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए फ़ोन छोड़ सकते हैं। एमरजेंसी है तभी आप जो फ़ोन को यूज़ करें, अदरवाइज 5 से 10 मिनट के लिए फ़ोन को छोड़ दें सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद। तो देख सकते हैं वर्जन अप टू डेट दिखा रहा है 3.13 करके, तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। देख सकते हैं इंटरफेस वगैरह में तो कोई भी किसी तरह का चेंजेस देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ऑलमोस्ट पहले जैसा ही है। स्मूथनेस वगैरह भी पहले जैसा ही है। जैसे मैं अभी क्या करेंगे, हम यूट्यूब पर वीडियो प्ले वगैरह करके देखेंगे भाई 4K में कहीं वीडियो अटक तो नहीं रही, तो यूट्यूब ओपन करते हैं। सुबह फिलहाल वीडियो प्ले कर दिया, वीडियो जो चल रही है 480p पे चल रही है। तो ऐसे में इसकी क्वालिटी भी हम चेंज करेंगे, 480 से जाएंगे हम सीधा 1080 पे, एडवांस में चलते हैं और चलते हैं भाई सीधा 1080 पे, 1080 पे। और फिलहाल जो 1080 पर वीडियो प्ले कर रखी है हमने, जो कि अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी अटक नहीं रही, जो कि अल्ट्रा HD वीडियो है। जैसे मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसको आगे कर देता हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि भाई वीडियो यहाँ पर जो अटकती है या नहीं, तो देख सकते हैं वीडियो यहाँ पर जो बिल्कुल भी नहीं अटक रही, 1080 पे तो खैर क्या हिट गई, लेकिन 4K में कई बार इसको देखने को मिलता है। तो अभी क्या करते हैं हम इसको 2K पे कर देते हैं। सो फिलहाल हमने 2K पे इसको प्ले कर दिया है, क्वालिटी देख सकते हैं, बैकग्राउंड का अच्छे से ब्लर रखा है, जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली जो वेदर है उसको फोकस किया है। तो बेसिकली ये अल्ट्रा HD वीडियो है जो यहाँ पर बिल्कुल भी जो अटक नहीं रही है। फिलहाल 2K में हमने इसको प्ले किया हुआ है। अब क्या करते हैं, क्वालिटी को हम फिर से चेंज कर देते हैं, यहाँ पर एडवांस में चलते हैं, इसको कर देते हैं सीधा 4K में। भाई 4K में कर दिया, अब सीधा मैं इसको जो आगे की तरफ वो कर देता हूँ, 4K पे फिलहाल कर दिया है। फिलहाल जो वीडियो प्ले जो हो रही है वो 4K पर हो रही है, बाकी क्वालिटी आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन पर प्ले कर रखा है। बाकी जूम वगैरह भी यहाँ पर हम कर सकते हैं, और देखो जूम कितने एक्स तक कर पा रहे हैं भाई, 8x तक वीडियो में जूम कर सकते हैं 4K वीडियो में। और क्वालिटी आप देख सकते हैं, वीडियो यहाँ पर जो बिल्कुल भी अटक नहीं, ये ओरिजिनल फॉर्म में ये फिट टू स्क्रीन जूम टू फिल है। अभी क्या करता हूँ, फिर से मैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, सो काफ़ी स्मूथली चल रहा है। बेसिकली YouTube पर वीडियो अच्छे से यहाँ पर जो प्ले हो रही है, किसी तरह का कोई यहाँ पर जो
इंटरप्शन देखने को नहीं मिल रहा, बेसिकली जो वीडियो लैग करती है, टक टक के चलती है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। सो गाइस BGMI का एक प्ले करके देख लेते हैं, देखते हैं गेमिंग करते हुए भी फ़ोन जो अटक रहा है अटक रहा या फिर लैग वगैरह तो नहीं करने को मिल रहा। सो गाइस क्या करते हैं, ग्राफिक्स की सेटिंग कर लेते हैं, देखते हैं कितना मैक्स तक हम खेल पाएंगे। ग्राफिक अभी जो फ़िलहाल है HDR पे, अल्ट्रा HD पे कर देते हैं, अभी अल्ट्रा HD पे नहीं कर सकते। और फ्रेम रेट अगर अल्ट्रा पे रख के खेल सकते हैं, HDR अल्ट्रा का ऑप्शन फ़िलहाल मिल रहा है तो इसको अप्लाई कर दिया हमने। सो अभी तो काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहा है, लेट्स सी देखते हैं कौन सी टीम जीतेगी। मेरा हाथ भी परफेक्ट नहीं बैठ रहा इसमें, ये मिल गई मेरे को मशीन। धो डाला, दो दो गोल धो डाला। लोडिंग 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 लोडिंग, इसने मेरे को लौटा ला। सो भाई हमारी टीम के 8 पॉइंट हो गए और सामने वाले के भी 5। लेट्स सी, ये तो अपना टीममेट है, काफी टाइम के बाद गेमिंग कर रहा हूँ, प्रैक्टिस छूट गई। तो भाई यहाँ पर हल्का सा लैग देखने को जरूर मिला, अभी थोड़ा लैग देखने को मिल रहा है यहाँ पर, हालांकि जस्ट अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उसके बाद यहाँ पर मैंने खेलना स्टार्ट कर दिया। बाकी फ्रेम ड्रॉप वगैरह तो नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन हाँ लैग जरूर देखने को मिला। तो सेटिंग हमने अभी मैक्स पे कर रखी है, दो डाला, बसीन मिल गई फिर से। ओम है, ओम का क्या करूँगा, दो डाला, देखा दो डाला, प्रो है तुम्हारा भाई। सो गाइस गेम प्ले काफ़ी स्मूथ चल रहा है, एक बार लैग जरूर देखने को मिल रहा था, बाकी किसी तरह फ्रेम ड्रॉप वगैरह लैग वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है ना के बराबर, क्योंकि जस्ट गेम स्टार्ट कर रहा था, हल्का सा लैग देखने को मिला था बट अब नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में गेम तो काफ़ी स्मूथली यहाँ पर चल रहा है, तो किसी तरह का यहाँ पर कोई लैग देखने को नहीं मिल रहा है। ये ढोड़ा ला, यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट हमने कर लिया है और बाकी यूट्यूब पर वगैरह पे वीडियो काफ़ी स्मूथली प्ले हो रही है और गेमिंग करके यहाँ पर हमने देख ली, तो किस तरह का लैग वगैरह या फिर फ्रेम ड्रॉप वगैरह तो खैर देखने को नहीं मिला, बेसिकली लैग वगैरह नहीं कर रहा, काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहा है, लेकिन अभी परफॉर्मेंस करने ज़्यादा कहीं जा सकता, लेकिन इनिशियली काफ़ी स्मूथली अभी जो वर्क कर रहा है। ऐसे में जो सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है, जिनके पास भी है Realme 9 Pro Plus, सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिए, साथ ही वो किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। वीडियो भी पसंद तो वीडियो कर दें लाइक और शेयर कर दें दोस्तों, चैनल बनाए तो प्लीज़ चैनल को ना सब्सक्राइब।